क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, राकेश एंड सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3. जाहिर जॉइंस एंड द न्यू रेशियो अमंग राकेश सुरेश एंड जाहिर इज 7:4:3. फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है. हमें क्या निकालना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू. तो उस फॉर्मूले से हम उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो की वैल्यू निकाल देंगे. तो सोल्यूशन क्या होगा? हम पास राकेश दे रखा था एक पार्टनर और सुरेश और जाहिर जो आ रहा है जाहिर. इनके ओल्ड रेशियो भी हमें गिवन थे, 4:3 हमें गिवन था. तो ओल्ड क्या हो जाएगा? राकेश का 4:7, सुरेश का 3:7. तो इनका और न्यू भी हमें इनका गिवन था 7:4:3. तो राकेश का न्यू कितना हो जाएगा? 7/14. सुरेश का हो जाएगा 4/14 और जाहिर का हो जाएगा 3/14. सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू. तो यहाँ पे हमारे पास ओल्ड रेशियो है राकेश का 4/7 और इनका न्यू है 7/14. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकल जाएगा? ओल्ड माइनस न्यू. तो ओल्ड है हमारा 4/7 माइनस 7/14 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स 2. एंड जब हम 2 को 4 से इंटू करेंगे तो 8. इसी तरह इस साइड का भी. तो सब इसका यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या जाएगा? 1/14. और सुरेश का भी ऐसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा 3/7 इसका ओल्ड, 4/14 इसका न्यू. इसका जब माइनस करेंगे एलसीएम वगैरह लेकर तो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा? 2/14. और तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही निकालने के लिए हमसे बोला था. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 1/14 इस टू में 2/14 और हम ऊपर की वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:2. ये क्वेश्चन नंबर 12. अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? करीम एंड रहमान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. नवल इज एडमिटेड एज अ पार्टनर. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग करीम रहमान एंड नवल इज 4:3:2. फाइंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. इसमें भी सेम क्वेश्चन है वही वाला कि इसमें हमको ओल्ड दे रखा है और न्यू भी दे रखा है. अब पूछा क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए. ठीक है, फिर इसमें हम क्या करेंगे? वैसे ही करेंगे. करीम रहमान और नवल आ रहा है, नया न्यू पार्टनर है. तो ओल्ड क्या है इनका? 3:2. तो इसका क्या हो जाएगा? करीम का ओल्ड 3/5 और रहमान का 2/5. न्यू इनका दे रखा था 4:3:2. तो इसका करीम का न्यू रेशियो हो जाएगा 4/9, रहमान का 3/9 और नवल का 2/9. सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू. यहाँ पे ओल्ड हमारे पास है 3/5, न्यू है हमारे पास 4/9. इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी 7/45. और इसी तरह रहमान का निकलेगा तो क्या होगा? 2/5 माइनस 3/9 निकल के आ जाएगा 3/45. तो ये हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 7:3. हमसे क्वेश्चन में बस सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए बोला था. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गई हमारी? 7:3. तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का आ गया आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है? A, B, and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. डी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो? अब यहाँ पे हमें न्यू रेशियो नहीं दे रखा, यहाँ पे हमको बस इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है और डी जितने शेयर के लिए आ रहा है वो दे रखा है. तो डी आ रहा है 1/3 के लिए. तो पहले हम क्या करेंगे? इनका न्यू रेशियो निकालेंगे, फिर ओल्ड निकालेंगे. ओल्ड गिवन है, फिर सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे. तो इसमें होगा कैसे कि डी की जो हमें वैल्यू दे रखी है कि जो डी आ रहा है वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है. तो डी 1/3 लिए आ रहा है तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच जाएगा? 2/3. कैसे? यहाँ पे डी आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बचा? 1 माइनस 1/3. अब यहाँ पे ये प्रॉफिट का वैल्यू जो 1 हम अज्यूम करते हैं तो माइनस करने के हमारे पास बचा 2/3. तो अब इनका न्यू रेशियो क्या निकल जाएगा? जो इनका रिमेनिंग प्रॉफिट बचा उनको मल्टीप्लाई कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच. तो इनका ओल्ड दे रखा था A का 4/9, B का 3/9, C का 2/9. फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे जो रिमेनिंग प्रॉफिट है. फिर हमारा न्यू रेशियो क्या आ जाएगा? 8/27, 6/27, 4/27. और जो डी है वो आ रहा है 1/3 शेयर के लिए. तो जब हम नीचे की वैल्यू तीनों चारों की सेम करेंगे तो हमारे पास इसका जो न्यू रेशियो है वो क्या हो जाएगा? 8:6:4:9.
तो ये हमारा क्या निकला, न्यू रेशियो, चारों पार्टनर्स का न्यू रेशियो। अब हमें क्या निकालने के लिए बोला था इसमें, सैक्रिफाइजिंग रेशियो, कि सैक्रिफाइजिंग रेशियो क्या है इनकी निकालने है। तो ओल्ड हमको गिवन था 4/9, 3/9, 2/9, और न्यू हमने अभी निकाला 8/27, 6/27, 4/27 और डी का 9/27। अब सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालने का हमें फॉर्मूला पता है, ओल्ड माइनस न्यू होता है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइजिंग क्या हो जाएगा, 4/9 माइनस 8/27। इनका एलसीएम निकाल के जब हम सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 27, ऊपर आ जाएगा 12 माइनस 8, और ये सॉल्व होके क्या जाएगा, 4/27। तो ये किसकी है, ए की सैक्रिफाइजिंग रेशियो है। और इसी तरह बी का निकलेगा, तो बी का क्या है, 3/9 माइनस 6/27। तो नीचे का 9 और 27 का एलसीएम लेंगे तो 27, और फिर 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 3 × 3 9। और इसी तरह 27 का भी, 27 डिवाइडेड बाई 27 इक्वल्स 1, और 6 × 1 इक्वल्स 6। तो 9 − 6 इक्वल्स टू 3, तो 3/27 ये हो जाएगा बी का सैक्रिफाइजिंग रेशियो। और इसी तरह सी का निकलेगा, 2/9 माइनस 4/27, नीचे का एलसीएम 27, और 27 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स 3, एंड 3 × 2 इक्वल्स 6। और इसी तरह इसका हो जाएगा, फिर सॉल्व करके क्या आ जाएगा, तीनों का सैक्रिफाइजिंग रेशियो, 4/27 रेशियो 3/27 रेशियो 2/27, नीचे का कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर का क्या बचेगा, फिर हमारे पास सैक्रिफाइजिंग रेशियो 4:3:2। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का भी हमारे पास आंसर आ गया, सैक्रिफाइजिंग रेशियो का वैल्यू 4:3:2।